नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले हुए हैं। बता दें कि आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता को सहकारिता विभाग का प्रभार मिला, तो वहीं आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार मिला है। इसके साथ ही डॉक्टर राजशेखर की कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति की गई है। आईएसपीसी मीरा हिसार मंडल के कमिश्नर होंगे और आईएएस गीता भारती अंबाला मंडल की कमिश्नर होंगी। आईएएस राजीव रत्न को अंबाला मंडल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव निर्वाचन विभाग अनुराग अग्रवाल को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक फूले चंद मीना अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा हेसे डिवीजन के नए आयुक्त के रूप में भी काम करेंगे। इन प्रशासनिक फेरबदल के मायने क्या हैं और क्यों ये प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिनमें हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले किए गए हैं। बता दें कि आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता सहकारिता विभाग का प्रभार संभालेंगे, तो वहीं आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर राजशेखर की कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर पोस्टिंग हुई है। आईएसपीसी मीना हिसार मंडल के कमिश्नर होंगे, तो वहीं आईएएस गीता भारती अंबाला मंडल की कमिश्नर होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले हुए हैं, जिनमें आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता सहकारिता विभाग का प्रभार मिला है, तो वहीं आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता सहकारिता विभाग का प्रभार मिला है। आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार मिला है। डॉक्टर राजशेखर को कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिली है। आईएसपीसी मीना हिसार मंडल के कमिश्नर होंगे और आईएएस गीता भारती अंबाला मंडल की कमिश्नर होंगी। इसके साथ ही आईएएस राजीव रत्न को अंबाला मंडल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले किए गए हैं। बता दें कि आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता को सहकारिता विभाग का प्रभार मिला, तो वहीं आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार मिला है। डॉक्टर राजशेखर की कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर पोस्टिंग की गई है। आईएसपीसी मीना हिसार मंडल के कमिश्नर होंगे और आईएएस गीता भारती अंबाला मंडल की कमिश्नर होंगी। आईएएस राजीव रत्न को अंबाला मंडल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव निर्वाचन विभाग अनुराग अग्रवाल को सिंचाई और जल संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक फूले चंद मीना अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा डिवीजन के नए आयुक्त के रूप में भी काम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता को सहकारिता विभाग का
प्रभार मिला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला और कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। राजवीर रोहिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, विधानसभा चुनाव से अब कुछ समय ही बचा है, ऐसे में इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के क्या मायने हैं? जी नमस्ते, नीरज जी को भी राम राम, आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। ये जो प्रशासनिक फेरबदल होता है ये एक साधारण प्रक्रिया होती है, ये कोई क्योंकि बीच में कई महीने चुनाव चल गए तो इस वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही थी, तो ये रूटीन में होता है ये सब, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती इसकी, ना कोई इसका कोई कयास लगाने जाने चाहिए, क्योंकि कुछ जो अधिकारी होते हैं ज्यादा समय से बैठे होते हैं या कम होते हैं, वो एक विषय होता है, वो प्रशासनिक विषय है, तो उसका मुख्यमंत्री जी और जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो देखते हैं उन चीजों को, और उन्होंने अपनी जो उन्हें उचित लगा उन्होंने ट्रांसफर किए हैं। नीरज जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये साधारण प्रक्रिया है, इसका जो भी रिलेशन है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से है, कांग्रेस के इसके क्या मायने? देखिए ये बात तो ठीक है, देखो सरकार इनकी है, किसी को भी कभी भी ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है चुनावी मोड के आसपास। देखिए अभी चुनाव में 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने में 4 संहिता लागू हो जाएगी, उससे पहले इतने व्यापक पे तबादले करना तो क्वेश्चन पार करता है कि अभी इतने अफसरों की तबादले की याद आपको क्यों आई। अगर उसमें अफसर कोई अच्छा भी है जिसका कार्य, भाई साहब कह रहे हैं जिसका भाई कार्यकाल पूरा हो गया या टाइमिंग पूरा हो गया, तो उसे पहले करते हैं, आप क्यों करते हैं? दूसरी, ये सारी घोषणाएं इनके सीएम नाथ सोनी सारी घोषणाएं इनको 2 महीने पहले याद आ रही हैं, चाहे वो ई टेंडरिंग का मामला हो, 21 लाख की लिमिट करी हो, 4 लाख की करी हो, सब बातें इनको भी 2-2.5 महीने पहले याद आ रही हैं, क्योंकि इनको अभी लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा, इन्होंने नारा दिया था 10 बार 10 बार 10 बार, तो वो सिमट के 5 पे सिर्फ उसका साइड इफेक्ट है। देखिए जनता अपना मन बना चुकी है, जो हमारा नारा है लोकसभा में आप विधानसभा साफ, जनता इनको विधानसभा साफ करेंगे, कितना ही कुछ कर लें या सारे अधिकारी चेंज कर लें, कुछ नहीं होगा इससे, जनता अपना मन बना चुकी है, इन्होंने क्योंकि कुछ नहीं किया, ये सिर्फ घोषणा और झूठ की सरकार है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं, उनको पूरा कभी नहीं करती। आज तक इन्होंने जो जो घोषणाएं करी, इनके 10 साल के आप मैनिफेस्टो उठा के देख लिए, उसमें कितनी घोषणाएं पूरी कर पाई है, और कितना टाइम लेंगे हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? 2 बार इनकी सरकार रह चुकी है, दूसरा सरकार तो मैं इनकी एक ही बार बोलूंगा, क्योंकि बहुमत तो एक ही बार मिला 2014 से 2019 में, जब इन्होंने 70 पार का नारा दिया तो 40 सिमट गए। देखिए ये नैतिक तौर पे हार चुके हैं, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब जनता चाहती है रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हमें काम चाहिए, ये मंदिर वंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, ये राम मंदिर के चक्कर में थे कि राम मंदिर को बना लेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, और यहाँ भी 75 बार का नारा या 11 बार सीटें चंडीगढ़ की मिलाकर, जबकि चंडीगढ़ की सीट भी हम जीत गए, तो इन बातों का फायदा नहीं है, जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है, जनता आपके बकाव में नहीं आएगी। किसानों को इन्होंने तंग किया, किसानों को आज तक सिंधु बॉर्डर में मैले हैं, उनको ऐसे रोक रखा जैसे वो टेररिस्ट हो, ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे वो हिंदुस्तान में न जाके किसी दूसरे देश में जा रहे, उनकी बॉर्डर की सीमा सील कर दी गई है। तो ये बातें इनको बात करनी चाहिए, कानून व्यवस्था में देखिए इतना बुरा हाल है, हिसार में 2-2 केस हो गए, गोलियां चल रही हैं खटाखट, और अपराधी भागने फटाफट, महा व्यापारियों से फिरौती मांग रही है, और सीएम सिटी जो किसान खिलाती है वही ऐसे ही की हत्या का मामला देखिए, फरियाद में हमारे भी 4 दिन पहले कुणाल भड़ाना उसकी हत्या के मामले देख लिए, कोई इनके मंत्री कुछ नहीं बोलते, गृहमंत्री जी भी आए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना नायब सैनिक कानून व्यवस्था के बारे में बोलते, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि आज हरियाणा कानून की व्यवस्था में 1 है। राजवीर जी, बीजेपी भले ही इसे साधारण प्रक्रिया बता रही हो, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी मोड में ही प्रशासनिक फेरबदल क्यों किए गए, अब विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ही समय बाकी है। मैं मेरे प्रवक्ता भाई को बताना चाहूंगा, 2-3 महीने पहले भी आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता भी हटी है, मुख्यमंत्री जी ने अभी 5 महीने हुए जिसमें 3 महीने तो उनके चुनाव में निकल गए, ठीक है ना, तो अब मुख्यमंत्री जी ने अपना एक विवेक से फैसला लिया तो उसमें क्या दिक्कत है इसमें, और असल अल्टीमेटली हमारा काम तो जनता की सेवा करना है, तो जनता की सेवा के लिए अगर अधिकारियों को इधर उधर किया गया है तो क्या बुराई है इसमें, मैं तो कुछ नहीं मानता। हाँ ठीक है, फ्रेशनेस आएगी इधर उधर, भाई अगर कोई बातें रुकी हुई है तो आगे बढ़ेंगे वो चीजें, ठीक है ना, लेकिन ये जो मेरे प्रवक्ता साथी है ये इनका तो एक ही रुदाली चलती रहती है, भाई बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने जो अच्छे काम किए हैं, बीजेपी के अच्छे काम इनको भाते नहीं, क्योंकि ये जनता इनको सत्ता चाहिए, क्योंकि 10 साल तक इन्होंने जो लूटा है हरियाणा को, तो वो लूट और जो खसूट की जो राजनीति है वो दोबारा स्थापित करने के प्रयास में ये लोग, उसी प्रयास में ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ठीक है ना, तो जनता ने इनको समझ लिया है,
जनता ने इनका इलाज कर रखा है कि 10 साल से सत्ता से बाहर है ये लोग और आगे भी बाहर ही रहने वाले हैं, क्योंकि जनता समझदार है। क्योंकि क्योंकि नायब सैनी जी ने जो किया है, जो जो मनोहर लाल जी ने जो किया है, अब आप ये देखो 14 लाख राशन कार्ड बनाए हम लोगों ने, जो 20-20, 30-30 साल से जिन लोगों को कभी ये मतलब ये लगा लो कि उनको पता ही नहीं था राशन कार्ड भी तुम्हारा होता है कि नहीं होता है। ये बहुत से हमने जमीनी स्तर पे काम किया है, हमने धरातल पे हमारा काम दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत काम किया है। हमने ये लगा लो आप 5 लाख का जो आयुष्मान का जो कार्ड था उससे हमने लाखों लोगों को मदद देने का काम किया है। तो जो जो धरातल में हैप्पी कार्ड दिए हमने 23 लाख, अभी और भी बढ़ने लग रहे हैं, जिससे कि गरीब आदमी 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारी नई नई बहुत सी योजनाएं हमारी धरातल पे चल रही है, और भी योजनाएं हम लेके आ रही है। आपके 52 भरपाई योजना है, 17 फसलों पे MSP है, या जो हमने जो एक ई भूमि पोर्टल खोला था, भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने ई भूमि पोर्टल खोल रखा है, जहाँ जहाँ किसान अपना खुद का रेट भरते हैं, बजाय इनके जैसे ये अपने सेक्शन लगा के जमीन हड़पते थे लोगों की, जैसे झज्जर में उन्होंने 50,000 एकड़ जमीन हड़पी और वो अपने अपने तहतों को दी सेज के नाम पे, वहाँ कोई सेज नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ बिल्डर बड़े हुए हैं, बस पूरा गुड़गांव बेच खाया इन लोगों ने, पूरा मानेसर बेच खाया इन लोगों ने। तो जनता को सब पता है, ये लूट और खसोट की सरकार थी, ये लोग CLU गैंग थे, इनका कुछ होने वाला है नहीं और जनता इनसे दूर है बिल्कुल। नीरज जी, राजबीर जी ने तमाम विकास कार्यों को गिना दिया, इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर जनता की सेवा के लिए प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है। देखिए मैं प्रवक्ता साहब जी कह रहे हैं, हम 10 साल से बाहर है हमारा, आप तो हरियाणा में हमेशा ही बाहर थे, और बल्कि हरियाणा की बात क्यों, आपको आपको तो हिंदुस्तान की जनता ने सालों साल बाहर रखा है, अभी से आप सत्ता में आयो, 10 साल का शासन कोई लंबा शासन नहीं होता, कांग्रेस ने लंबा शासन किया है, 10 साल तो हम भी शासन कर चुके, और 10 साल में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपकी 2014 से 2019 की सरकार थी, और जिस पार्टी के खिलाफ लड़े से गाली देते थे उससे आपको गठबंधन करना पड़ा। महाराज आप कहाँ धरातल पे हो, अगर काम किए होते 2014 से 19 में आप 40 सीटों में न समझ जाते 19 से 24 में। और आप देखिए जो ये वादे कर रहे हैं कि अभी भी इन्होंने खुद बोला सब काम धरातल पे हैं, अरे धरातल पे भैया पूरे कब होंगे, तो 10 साल हो गए कहते कहते, कोई भी चाहे एम्स का मामला हो, कोई भी हॉस्पिटल का मामला हो, कोई भी आप शिक्षा विद्यालय का मामला हो, सब ये कहते हैं हमने बना दिए, बनता कुछ दिख नहीं रहा, वो पाइपलाइन का ढक्कन कब खुलेगा, शायद उसका फीता हम ही काटेंगे, इसलिए दरगराली बातें आप बनाना छोड़ दे जो बात है। और रही आप कह रहे हो मनासर लूट लिया, कहाँ लूट लिया, कहने से क्या होता है, अगर लूट लिया कोई प्रूफ दिखाइए, आप कार्रवाई कीजिए, कोई भ्रष्टाचारी आपको नजर आता है चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, 10 साल हो गए आपकी सरकार को, क्यों नहीं अंदर करते, सिर्फ बातें करते हैं, कभी आप जमा खर्चे की बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के नेता जी ने विधानसभा में बोला था स्पीकर साहब को, अरे भाई जमा खर्ची कार्रवाई करो ना हमारे खिलाफ, कहने से क्या होता है, कहने में कह दू आप खुद भ्रष्टाचारी हो, फिर आप कार्रवाई कीजिए ना, कहने से क्या होता है, क्या लूट खाया हमने बताइए, कौन से मनुष्य जीवन लूट खाई, सेक्शन 4, 6, सेक्शन 6, सेक्शन 3 कानून प्रक्रिया आप भी वही करते हो, आप कैसे मुआवजा किस प्रक्रिया के अंदर मुआवजा दोगे किसानों को, कैसे जीवन इंक्वायर करोगे, प्रक्रिया तो वही है, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हुआ, और आपके 10 साल की सरकार है, कोई भी आपको ऐसा मामला मिला तो कार्रवाई कीजिए, करते क्यों नहीं, सेंटर में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, अगर आप इतने इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पे तो आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की क्या, जब आप पे इतना ज्यादा प्रूफ है कि हमने मनासर बेच पाया, वो बेच खाया, किसानों की जीवन नकली, तो बताइए ना, बताने सिर्फ बरवालन से क्या होता है। देखिए जनता सब समझती है आपके झूठे वादे से, अब सरकार आई थी 15 लाख का वादा किया था 15 लाख आएंगे, वो स्मार्ट सिटी का वादा हुआ था वो आज तक पूरा नहीं हुआ, किसानों का मामला वो पूरी नहीं, अग्निवीर सेना में आपके उसमें किसने आपने पार्लियामेंट में राजनीति ने झूठ बोला कि मुआवजा मिलता है, कहीं भी मुआवजा नहीं मिलता, वो क्रॉस टैली हो चुका है, इसलिए जनता सब कुछ टैली चुकती है, जनता आपको हरियाणा से साफ करेगी, हरियाणा की कांग्रेस ने ये ठाना है आराम आराम है, हम जब तक आराम नहीं करेंगे जब तक आपको हरियाणा से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। राजवीर जी, नीरज जी का जो कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी को प्रदेश से बाहर निकाल देंगे तब तक आराम नहीं करेंगे, मैं पता क्या है, मेरे प्रवक्ता साथी बड़े भावुक हैं, इन्होंने तो अपने नेताओं को बाहर निकाल दिया, इन्होंने तो अपने नेताओं को बाहर निकाल दिया, आप दर्जनों नेता 2014 के बाद पार्टी छोड़ के गए, इनकी पार्टी बची कहाँ है, आप देखिए ना एक बार, इन्होंने तो ये जो लोकसभा के जो रिजल्ट पर इतरा रहे हैं ना, ये तो इनको एक प्रोपेगेंडा था जो इनका पास हुआ है, बिल्कुल मानते हैं हम लोग, भाई इन्होंने आरक्षण पे झूठ बोला, इन्होंने संविधान पर झूठ बोला, वो जो कई बार क्या होता है कि झूठ ज्यादा चल जाता है, तो उसको हमने मतलब काउंटर करने के लिए हमने अपनी रणनीति बना रखी है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड में हुए हैं, उसी रणनीति के तहत हुए हैं, ये जो तबादले हुए हैं क्या ये उसी रणनीति के तहत हुए हैं,
नहीं ये तुम्हारा सुनिए मेरी बात, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, नीरज जी भी संगठन के, हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सरकार ने का जो सरकार ने जो रणनीति बनाई है अपनी, जो जो तबादले हुए हैं वो तबादले प्रशासनिक है, वो उसमें 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 किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं होता। राजवीर जी, कांग्रेस का यही आरोप है कि ये तबादले हैं वो चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं, क्योंकि चुनाव को कुछ समय ही बाकी है, ये कांग्रेस का आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मतलब मेरे प्रवक्ता साथी को बताना चाहूंगा भाई, ये जो तबादले होते हैं ये रूटीन प्रक्रिया होती है भाई। मतलब एक बात बताइए भाई, प्रशासन में जो 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 लंबे समय से बैठे हैं या जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो एक तबादला एक प्रक्रिया है, मतलब प्रशासन को सुदृढ़ करने का, तो नई जगह मिलेगी, नए फ्रेशनेस आएगी। तो मैं एक बात कहता हूँ, अल्टीमेटली हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो जनता की सेवा किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है, हम संगठन के नाते यहाँ बैठे, प्रवक्ता के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता फील्ड में है। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता फील्ड में है, राजवीर जी का ये कहना है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि ये जो प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं ये जनता की सेवा के लिए किए गए हैं, अब इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है, कांग्रेस ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? देखिए, आरोप लगाने का सवाल नहीं है, जनता के मन में, सभी के मन में क्वेश्चन उठता है कि भी इलेक्शन से पहले इतना फेरबदल क्यों, एक दो की समझ आती है, इतना भारी फेरबदल क्यों। और आपको पता है कि दो महीने बाद अभी 58-59 दिन बचे हैं, 58 दिन बाद ये सारा मोर हरियाणा प्रदेश इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाएगा, वो अपने हिसाब से भी ट्रांसफर करेंगे। तो इतनी ट्रांसफर की व्यापक स्तर पर क्या जरूरत पड़ गई, क्या क्या सभी का कार्यकाल पूरा हो गया क्या, या इनमें तो कोई असर काम नहीं कर रहा था क्या? अभी मेरे भाई प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कुछ का कार्यकाल पूरा हो गया, कुछ का टाइम ही पूरा, तो अभी टाइम की याद आई है, सभी का इकट्ठे टाइम पूरा हो गया क्या, ये क्वेश्चन उठता है। बल्कि जिन आईएएस आईपीएस का भी होगा वो अच्छे काम कर रहे होंगे, उनके मन में भी क्वेश्चन उठेगा, भाई हम तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कैसे लगा दिया, क्या पता इन्होंने अपने मंत्री को हिसाब से लगाया होगा कि जहां जहां सरकार दिल्ली पड़ी है, जहां जहां सिटी ने आई वहां अच्छा काम करने के लिए यहां से यहां ट्रांसफर करते, सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए ध्यान किया, क्योंकि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब लास्ट में 5 महीने में मुख्यमंत्री चेंज हो गया तो प्रशासनिक तो चेंज होना कोई स्वाभाविक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। अब इनको सिर्फ सरकार दिख रही है, इनके जो शीर्ष नेता आए चाहे अमित शाह आए, सिर्फ उनका एक ही मोड है कि कांग्रेस में सरकार कैसे बनाए, कांग्रेस ये हरियाणा में सरकार कैसे बनाई जाए, हमारी सरकार कैसे बचे, इनका सिर्फ मकसद यही है। इनको ना हरियाणा के जनता के हितों से लेना, ना हरियाणा में कानून व्यवस्था से लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ इनका सरकार 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 कि हमारी तीसरी बार सरकार कैसे बने, क्योंकि तीसरी बार सरकार सेंटर में ये इनकी बनते बनते बची रिमोट कंट्रोल सरकार है। आप इनको ये दिखा रही है, बहुमत का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर मेरे भाई इतने प्रवक्ता साथी इतने मजबूत है कि हमारी सरकार बनेगी, ये मेरे से कहें कि हम जसपा वगैरह किसी गठबंधन को साथ ही नहीं लेंगे, ये देखना। अगर कोई सरकार, पहली बात तो इनकी सरकार बनेगी नहीं, अगर सरकार बनने में कुछ सीटों की कमी आए, ये जसपा को दोबारा गले लगा लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं, इनको बता रहा हूं, ये कहें कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी का बहुमत नहीं प्राप्त करेंगे, ये कहें ना भाई, अगर इनका इन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार बनाने के लिए दुश्मन को भी गले लगा लेंगे, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, क्यों इतने सालों से सत्ता से बाहर रहे हैं, इनको सत्ता का सुख हजम नहीं हो रहा। कभी 10 साल कभी 10 साल बोलते हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस 10 साल से बाहर है। महाराज, आप तो हरियाणा से हमेशा ही बाहर थे, जिस इनेलो के सारे आप हरियाणा में आए थे, आज इनेलो आपके खिलाफ है, उसके खिलाफ ही आपने शासन किया है, उसके साथ ही शासन किया है हरियाणा पे, आपकी औकात क्या थी, सिर्फ 2 सीटों की पार्टी वो करती, आप डबल डिजिट में खिसक जाओगे, आप देखना 10-15 सीटों पर सिमट जाओगे। आपके हालात ये है कि आपके एक एक पार्टी, आप देखना जब इलेक्शन आएंगे कितने लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, अंदर खाते कितने ज्वाइन करेंगे, आप देख के जाइए। अभी राजवीर जी, बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, अब कांग्रेस का सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में फेरबदल की क्या जरूरत थी, क्या सभी के कार्यकाल पूरे हो गए? मैं मेरे प्रवक्ता साथी को बताना चाहूंगा, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, उन्हें अपने जो जो अधिकारियों को इधर जो लगाना होता है, जो जो उनको तबादला कराना होता है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो इसमें 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 कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो बेवजह अब ये गठबंधन की बात कर रहे थे मेरे साथी, जिन्होंने लालू प्रसाद को जेल में भेजा, आज ये लालू प्रसाद के साथ बिहार में है महागठबंधन में, समाजवादी पार्टी के साथ जिसके खिलाफ लड़ते थे ये लोग, तो आज इसके साथ है ये लोग, जिस आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हैं ये लोग दिल्ली में, हरियाणा में इन्होंने इसको एक सीट दे रखी थी, दिल्ली में भी गठबंधन कर रखा था, लेकिन पंजाब में छुई मुई खेल गए ये लोग। तो ये जो राजनीति का चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इनको तो ये पागल हो लिए ये लोग भाई, इनको तो सत्ता चाहिए, लेकिन जनता में जनता ने आपको नकार रखा है और जनता ने आपको 99 में अटका दिया,
आप लोग तो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा, कहाँ गई आपकी सरकार? आप तीन हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ले ली, आप लोग 100 से नीचे रहे हो अभी भी, तो आप आगे क्या उम्मीद रखते हो? तुम नीरज जी संयम रखिए, अपना काम कीजिए, जनता ने मैंडेट देना, और जनता जानती है कौन उनका असली हितकारी है, कौन सोशल जस्टिस का न्यायदाता है, वो सिर्फ नायब सैनी जी है। क्योंकि अमित शाह जी कह के गई है कि अगला चुनाव हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो आज एक गरीब गरीब परिवार का जो एक एक युवा है जिसने अपनी जो राजनीति है वो एक बूथ से मतलब मान लीजिए शुरू की थी, और आज वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा। लेकिन आपके यहाँ तो मतलब पीढ़ी वाला मामला है ना, पहले मैं बनूंगा, फिर मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरा पोता बनेगा। तो आप लोगों का कोई आप लोगों का जो परिवारवादी सोच है, उस परिवारवादी सोच से जनता उब चुकी है। तो जनता ये चाहती है आप लोग सत्ता से दूर रहे हमेशा, तो आपको सत्ता में नहीं आने देना चाहती। हाँ, कुछ एक लोग हैं आपके साथ जो जिन लोगों ने 10 साल सत्ता की मलाई खाई थी, वो लोग आपके साथ चिपके हुए हैं ना। आपके पास कैडर है, आपके पास सिर्फ फैन फॉलोवर है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फैन फॉलोवर थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, ये गुलाबी गैंग है और कुछ नहीं है बस। नीरज जी, कांग्रेस का कहना है कि चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी और इसीलिए प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इन प्रशासनिक फेरबदलों का असर पड़ेगा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मेरे प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे कि जनता तय करेगी, जनता ही तय करेगी। फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? आपके काम तो कुछ भी नहीं है महाराज। जो हमारा नारा है लोकसभा में आप, विधानसभा में साहब, वो एप्लीकेबल होगा। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप किरण चौधरी को ले आने के बाद सोच रहे कि हम बन जाएंगे क्या? किरण चौधरी को आप सीएम बनाएंगे क्या? अगर किरण चौधरी को किस लालच से आपने पद्म ग्रहण किया, आप मुझे बताएं। अभी चैनल के माध्यम से आप वादा कीजिए कि आप उनको राज्यसभा का टिकट नहीं देंगे, फिर मैं देखता हूँ पार्टी में कितने दिन टिकती है, जिन्हें सत्ता में रहने की आदत है। अभी आप कह रहे हो कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत है, जब कांग्रेस के नेता को लेते हो आप, तब आपको ये फार्मूला याद नहीं आता कि सत्ता में रहने की आदत है? उनको नेताओं को तो फौरन ले लेते हो। आपने अशोक तंवर को ले लिया, कौन सा झंडा गाड़ लिया? कुलदीप बिश्नोई को ले लिया, कौन सा झंडा गाड़ लिया? दोनों जगह आप आ रहे हैं, और ऐसे किरण चौधरी लेने के बाद तो आपको आपकी अपनी उनकी औकात पता चल जाएगी क्या औकात है। आप देखिए, जिस जिले से आती है वहां से हमेशा एक सीट जीतती है वही, और उसके अलावा कोई सीट नहीं जीतता। वो कांग्रेस का रिकॉर्ड तो सीट है, कांग्रेस का रहता डिसाइड करेंगे, हमारे सीट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही आप अपनी इतना गुणगान कर रहे हो सीएम का कि युवा है, तो भाई साहब युवा है सीएम तो अभी याद आए हैं क्या? सिर्फ इलेक्शन मोड के सिर्फ 5 महीने बाद ही आए हैं कि युवा सीएम है? सिर्फ ओबीसी के नाम पे लोगों को भटकाने का काम करते हैं। आपके प्रवक्ता साथी बोलते 56 साल में ओबीसी सीएम पहली बार बना, और भाई साहब 9.5 साल में क्यों नहीं बनाया? दूसरे टेनवर पूरा मनाते, सिर्फ 5 महीने का सीएम बना है क्या? अगर वो इतने अच्छे थे, इतने युवाओं में लोकप्रिय हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई लोकप्रिय हो। फरियाद में आए थे, उनकी फरियाद में सभा हुई थी, सारी कुर्तियां खाली पड़ी थी, कहो तो वीडियो भेज देता हूँ आपको। अगर इतने वो फरियाद है तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास कुछ नहीं है, आप अपना मत खो चुके हो, विश्वास खो चुके हो। जनता तय करेगी, और ये फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। मैं कहूँ आपकी सरकार बनेगी, आपको मेरी बनेगी, जनता को फैसला कर लेनी है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिले हैं। 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। अब इससे क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।